हेलो दोस्तों, मैं रोहित बनीवाल, स्वागत है आपका नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज आप ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। यार मैं थोड़ा सा काम में लगा हुआ था, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। एंड भाई, आज का ये ब्लॉग काफी मतलब स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे ऑफिस है भाई। आज मैं जाऊंगा, वैसे तो देखो भाई सेकंड डे है, लेकिन मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ी सी मतलब शर्म आ रही थी। तो जो चीज मैं कल कवर करना चाह रहा था वो मैं आज कर दूंगा। सारी डिटेल आपको दूंगा भाई, क्या सीन है, कहाँ अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कहाँ पार्क करनी है, कैसे करना है, हर चीज आपको बताऊंगा। और भाई अभी हूँ मैं फ्लैट पे हूँ भाई, अंकुर वगैरह रहते हैं यहाँ पे। तो अब भाई ऐसी सीन है, दिख गया था क्या? हाँ ठीक है। तो भाई आप अपना रेडी होते हैं भाई, अभी 8 बज रहे हैं और 9 बजे का ऑफिस। और भाई पता कल क्या हुआ, हमारी जो मतलब मेल आई थी उसमें लिखा हुआ था 12 से 9, तो मुझे लगा भाई 12 से 9 की शिफ्ट है तो अपना उस टाइम जाना है। लेकिन भाई वहां पे जाके पता चला कि मैं लेट हूँ और 9 से 7 ही है ऑफिस। तो ये चीज भी अपना एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, वो बस ये है कि आपको 9 घंटे मेंटेन करने हैं, कैसे भी कर लो उसको। तो अब भाई मैं फटाफट रेडी होता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे, और फिर चलते हैं ऑफिस, आपको सारी चीज दिखाऊंगा, पार्किंग वगैरह कहाँ है, कैसे मेट्रो वेट्रो क्या सीन है। चलो गाइज, मैं आ चुका हूँ रेडी। एंड भाई आप ये रूम देख लो एक बार, कितना बढ़िया बना रखा, यहाँ पे करते हैं दूसरा रूम में बैठता। और भाई एक और दिखाता हूँ, तो भाई 3 रूम है यहाँ पे। ये अपना पूरा यहाँ पे गेमिंग सेटअप बना रखा इसने। गाइस अब हम आ चुके हैं बेसमेंट में, यही खड़ी थी अपनी गाड़ी, ये रही अंकुर की। अब चलते हैं, रास्ते में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देंगे। सो गाइस, हम घर से निकल चुके हैं, अभी हमें ग्रेटर नोएडा में, ये जाएगा अभी अपना कॉलेज, तो इसे अभी ड्रॉप कर देंगे। बाकी आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई पार्किंग कहाँ पे है, कहाँ से एंट्री लेनी होती है, और भी सारी चीजें बताऊंगा जो कल मुझे समझ आई हैं। क्योंकि भाई मेरे देखो वैसे भी फर्स्ट टाइम ऑफिस का था, कॉग्निजेंट में तो था ही, वैसे भी मतलब मैं कल पहली बार गया था अपनी जिंदगी में ऑफिस, तो काफी चीज पता चली है, वो मैं आपको बताऊंगा। और काफी लोग अब तक आ चुके होंगे और काफी लोग आने वाले होंगे, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो भाई ऐसा है कि जैसे आप अपने उसमें जाओगे कैंडोर टेक स्पेस में, मतलब काफी सारी वहाँ पे ऑफिसेज हैं और काफी सारी कंपनीज है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको गेट नंबर 1 से एंटर करना है, वो आपको दिख जाएगा जब आप जाओगे ना, उस मतलब आपको पता लग जाएगा जहाँ से एंट्री हो रही होगी। भाई गेट नंबर 1 से एंटर करोगे, ये पार्किंग का ऐसा सीन है, कुछ की तो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो है LG पे ही कुछ की पार्किंग है, और कुछ की क्या है बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट में सबकी ही है। तो मैं तो ये कहूंगा बेसमेंट में ही करना, क्योंकि बेसमेंट में थोड़ा खाली खाली रहता है, LG पे क्या है भीड़ सी रहती है, तो बहुत ज्यादा क्लोज गाड़ियां खड़ी रहती है। और -1 पे जैसे आप जाओगे, जो बेसमेंट वाली पार्किंग है वो भाई बढ़िया बनी हुई है, और उसमें क्या है ना हर कंपनी की अलग पार्किंग रिजर्व्ड है, कहीं पे लिखा रहेगा जेनपेट, कहीं पे कॉग्निजेंट, कहीं पे कुछ ऐसे ऐसे है। तो उससे फायदा ये होगा कि भाई एक तो देखो भाई हर कंपनी की अलग है, तो अपना वो एम्प्लॉय वहीं पे खड़ी करे तो ज्यादा सही है, और उससे याद भी रहती है, बाई चांस मैंने कर दी जेनपैक में मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसमें करी थी, तो ढूंढने में भी दिक्कत होती है, और वो जहां पे भी आपकी पार्किंग होगी तो आपकी बिल्डिंग भी उससे ऊपर ही होगी, तो वो वाला सीन है। तो भाई अपना कॉग्निजेंट की देख के या जो इसमें भी देख के आप अपना पार्क कर लेना उसको, और बाकी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई मुझे वो नहीं पता था कुछ भी सीन आई कार्ड का, क्योंकि मुझे अब तक आईडी कार्ड मिला नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट डाल रखी है, तो मैं कल सॉफ्ट कॉपी ले गया था। फिर भाई वहां पे आपको जाके, जब आप यूजी पे जाओगे कॉग्निजेंट में, तो भाई वहां पे आपको बोलना है कि मुझे टेम्परेरी आई कार्ड इशू कर दो। फिर भाई जो आप टेम्परेरी कार्ड इशू कराओगे वही आपको टैप करना है, उससे ही आपके भाई टोटल ऑफिस आवर्स काउंट होंगे। अपना बाहर एक मशीन लगी होगी छोटी सी, उस पर टैप कर देना, हो जाएगा। मतलब ये उनके लिए जो आज तक ऑफिस नहीं गए, जो पहले से ऑफिस जाते भाई उनको ये सब चीजें पता होती है, मुझे नहीं पता थी। तो मैं भाई कल 11 बजे गया, तो मैंने करा भाई टैप 12:40 पे, तो वो वाली थोड़ी सी वो हो गई थी वो तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना फर्स्ट टाइम था। बाकी भाई बड़ा चिल एनवायरमेंट है, मुझे पता नहीं था ऑफिस में ऐसे रहते होगा, मैं सोचता था भाई 10-10 घंटे बैठे रहते होंगे, 1 घंटे के बीच में ब्रेक मिलता होगा उसमें उठते होंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अपना बीच में बंदे ब्रेक लेते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, तो बढ़िया है। बाकी अभी मैं हूँ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, आपसे मिलते हैं अब कैंडोर पहुंच के, तो चलो। तो गाइस अब हम आ चुके हैं कैंडोर में, ये पूरा मतलब ऐसा सीन है आप देख सकते हो,
ये है गाइस बेसमेंट की पार्किंग, भाई मैं इसमें ही जाऊंगा, ये भी ठीक लगती है मुझे तो। बाकी आप नॉर्मल भी ऊपर ही हैं सबकी, मतलब इस साइड हैं। आप आगे चल जाओगे कॉग्निजेंट की बिल्डिंग आगे है, तो अपना उसी हिसाब से कर लेना। ये यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स लिखी हुई हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब भाई हमें जाना है लेफ्ट में कॉग्निजेंट के लिए, क्योंकि कॉग्निजेंट की बिल्डिंग है 10। ठीक है, भाई अब पूरी अपना कॉग्निजेंट ही आ गई, हम थोड़ा आगे लगाएंगे। तो भाई ये जगह मुझे बेस्ट लग रही है। तो भाई जैसे कि हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी, जो एंट्री है ना कॉग्निजेंट की वो यहाँ से है। देखो जो एग्जिट दिख रहा है ना, यहाँ से बस सीधे चले जाना, यहाँ से अपना बिल्डिंग आ जाएगी। सो गाइस मैं आ चुका हूँ लिफ्ट में, भाई मुझे जाना है यूजी पे। यूजी पे ही रिसेप्शन है, सारे काम आपके ज़्यादातर वहीं पर होंगे और यूजी पे ही मेरी ओडीसी है। तो भाई अब चलते, सब मिलते हैं आपको अंदर जाकर वॉशरूम में। ठीक है, ओके। गाइस यहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हो, गाड़ी भी है और ये है LG। अभी भाई हम जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने, आपको दिखाएंगे वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ है, वो मैं पहले कवर करना भूल गया था। और गाइस ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, ये जो आप देख रहे हो AJAP, भाई ये बहुत बढ़िया है, एज स्पाइसी एज पॉसिबल। इस पर ही खाना भाई जब भी खाओगे, बहुत बेहतरीन बना हुआ है और खाना भी बहुत बढ़िया। गाइस ये ABC है ना, तो जो इनका है ये, इसका मार्केट बहुत बढ़िया है खाने पीने के लिए। अभी हम कैंडोर का आपको दिखाते हैं गेट नंबर 2। और गाइस यहाँ पे ना वो है थोड़ा, मतलब स्ट्रीट फूड वाला हिसाब है, ठेले वगैरह से हैं, इन पे भी खा सकते हो आपको खाना है तो। ये है कैंडोर के गेट 2 है शायद, यहीं कहीं पे उसके सामने। ये देखो ये इसकी बिल्डिंग है, इसके जस्ट सामने। गाइज अब मैं अपने ODC में वापस आ चुका हूँ और भाई इस टाइम पे ऑफिस में कोई नहीं है, बस अभिषेक भाई है अपना वहाँ बैठे हुए उधर। और ये भाई बहुत बड़ा सा ग्लास है, यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आ रही है और मन भी लग रहता है, लोग आते जाते दिखते रहते हैं यहाँ से। सुबह तो मैं यहीं बैठा था कॉर्नर वाली सीट पे। और ठीक है भाई, खाने पीने की बहुत जगह है। और वो जो मैं दिखाया था ना, वो ABC का गेट 2 था, वहाँ पे है मार्केट। उसका मार्केट मतलब अच्छा है, अगर थोड़ी सी महंगी चीज़ है ना, जैसे खाने में कुछ महंगा है वो वहाँ पे, थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी है उनकी। बाकी जो कैंडोर का गेट 2 है, उसके वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अपना स्ट्रीट फूड टाइप है, थोड़ी चीप मिल जाएगी और वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, रोल वगैरह इस चीज़ मिल जाएगी। बाकी भाई अभी टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं और 6 बजे मैं निकल जाऊँगा। वैसे तो 7 बजे का है, नहीं 6 बजे मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि अपना घर भी जाना है आज मुझे। और आपको बेसमेंट की पार्किंग तो दिखाई दी थी, बाकी LG वाली पार्किंग भी दिखा दी, तो ऐसा कुछ तो रहा नहीं। बाकी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, वो अपने थोड़ी देर में निकलेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे सब कुछ। और भाई आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, मतलब जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है वो भी दिखाता हूँ कि आप कैसे कैसे पानी वानी भर सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो। और आपको भाई अपना एक मग लाना पड़ेगा, तभी आप कॉफ़ी का आनंद ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मग नहीं देते हैं। तो गाइस ये है कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, यहाँ से आप पानी भर सकते हो, यहाँ पे बैठ के आराम से पी सकते हो, खा सकते हो। ODC के बराबर में ही है। ओके गाइस यहाँ पे रखा दूध, ये ओके, बाय बाय।
और भाई अपना मग यहाँ पे धो सकते हो। तो हेलो गाइस, ऑफिस से तो मैं भाई सीधा आ गया था घर। और भाई कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो मैं अब आपसे शेयर कर देता हूँ। तो भाई वो है ये कि आप कैंडोर टैक्सपेस जाएं कैसे, या फिर कॉग्निजेंट जाएं कैसे, जिसका भी उस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है तो वहाँ पे पहुँच कह सकता है। तो भाई देखो, अगर ग्रेटर नोएडा की साइड से आ रहे हो तो ग्रेटर नोएडा नोएडा वाला एक्सप्रेस वे पकड़ना, चाहे बस ले लो, कुछ भी कैब ले लो, गाड़ी जैसे भी आपके पास, तो अपना सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे। बाकी भाई अगर आप आ रहे हो नोएडा की साइड से, तो वहाँ पे भी यही सीन है भाई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा बस चलती है, आप उसमें बैठ सकते हो। फिर वहाँ से भाई एडवांट के पास उतर के अपना ऑटो ले लो या वॉक कर लो, वो आपकी मर्जी है। एंड हाँ भाई, नोएडा और दिल्ली से आने का एक तरीका और है भाई, अपना मेट्रो लो, 135 मेट्रो स्टेशन पे उतरो भाई, एडवांट के बराबर वाला स्टेशन है, और फिर वहाँ से वही अपना ऑटो लो या पैदल, जैसे भी, टुक टुक बोलते हैं शायद उसको वहाँ पे, अपना वो लो और अपना सीधा भाई आ जाओ ऑफिस। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अपना सही है। और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए तो बहुत ईजी है, अपना बस एक्सप्रेस वे पकड़ना है, वहीं से आ जाओ। जैसे भाई मैं गया उतना 2 दिन, तो अपना भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई चीज़ ऐसी लग रही हो आपको भाई मैंने कवर नहीं करी या मुझे करनी चाहिए, भाई खाने पीने की वहाँ पर चीज़ें हैं, और कॉफ़ी आपको ऑफिस में मिलेगी, बस आपको अपना मग लेके जाना है, बाकी तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और भाई खाने के लिए मैंने आपको 2 जगह बताई, एक तो ABC करके कॉम्प्लेक्स है, जैसे कैंडोर है ऐसे एक ABC है, उसका मार्केट है, उसमें अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है ना, मतलब थोड़ा बैठ के तमीज से, तो वहाँ पे चल जाना। बाकी नहीं तो कैंडोर के गेट 2 के सामने बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे अपना बहुत चीज़ें हैं, वहाँ पे खा सकते हो। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं जैसे भी हैं, वो मुझे भाई आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ ही पूछना है तो। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड। और भाई अब मैंने ना कुछ व्लॉग अब तक डाले नहीं थे, वो मेरे पास थे बट मैंने अब तक पोस्ट नहीं किए थे, तो बट मैं भाई ये वाला जो व्लॉग है मेरा ऑफिस वाला, इसको भाई मैं पहले डाल लूंगा उनसे, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं इसको ज़्यादा लेट करूँ। वो हो गए तो हो गए, लेकिन डाल लूंगा मैं उनको भी ज़रूर, क्योंकि भाई अब जो मैंने कोई चीज़ बनाई है तो भाई उसे डाल लूंगा ज़रूर मैं। सो दोस्तों वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, अगर आप भी भाई कैंडोर के किसी ऑफिस से हो, कोई आसपास के मेरे किसी कंपनी के हो या कॉन्जेंट के हो, तो भाई चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो, और किसी को मिलना हो ना वहाँ पे, कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी हो साथ में, तो भाई बता देना। तो अब भाई बाय बाय।